दोस्तों ये देखो मेरा रूम जो हमने लिया है, स्टे कराया हमने सनराइज होटल में। और ये देखो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है मूर्ति जो लगाई गई है उनके सम्मान। दोस्तों चर्च के अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये शायद मेरे हिसाब से चर्च बंद है। गाइड फ्लोर पे रहता है जी घुमाने का 10 जगह का। हाय राहुल, फिर वापस हम अपनी जगह आते हैं। हम शिमला माल रोड से निकल के मसोबरा जाने वाले थे लेकिन हम मसोबरा का रास्ता पीछे छूट गया है तो हम कुफरी के पहले पॉइंट पे आ गए जिसे कहते हैं ग्रीन वैली, जो मशहूर है ग्रीन वैली के नाम से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। ये ग्रीन वैली इसे कहते हैं, एशिया का सेकंड नंबर पर पॉइंट आता है ग्रीन वैली। और बहुत व्यू जो इसका व्यू देख रहे हो आप ग्रीन वैली का, जो कहते हैं शिमला की वादियाँ फेमस है वो यही है। दोस्तों सफरी के लिए निकल चुके हैं और ये सीन साइड सीन दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, बाय बाय टाटा गुड बाय। दोस्तों यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, पहाड़ भी बहुत सुंदर है, देख लो रास्ता कैसा है। और यहाँ बाइक राइड करके बहुत मजा आ रहा है, बाइक राइड ये चलती रहेगी। हसन वैली, इसको कहते हैं हसन वैली, ये वैलियों के नाम है बटे हुए। हसन वैली पीछे ग्रीन वैली थी, ये हसन वैली है और आगे देखते हैं कौन कौन सी वैली आएगी। ये जब आप आओगे आपको हर जगह फूड पॉइंट मिलेंगे, आप इंजॉय कर सकते हैं ट्रिप का, बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। ये देखिए दोस्तों व्यू, कुफरी जाते समय आपको ये व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। ये गांव के लिए सड़क है, नीचे देखिए शायद कैमरे से ना दिखाई दे रही हो, आपको दिखाते हैं जूम करके। ये देखिए बहुत ही औसम चलिए, जवानों की फोटो लगी हुई है, डोगरा रेजिमेंट। ये देखो आर्मी कैंट है, आर्मी बेस कह सकते हैं, इधर देखिए आर्मी क्वार्टर बने हुए हैं, कैफेटेरिया एरिया है। दोस्तों कुफरी पे हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और यहाँ से हमने हॉर्स लिया है, ये हमने घोड़ा कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे जहाँ हम एडवेंचर करेंगे और आपका एप्पल गार्डन देखेंगे। राजीव रॉय साहब, किस गधे को घोड़े पे बिठा दिया किस गधे को घोड़े पे बिठा दिया मजनू भाई, चलता है आपसे। रास्ता बहुत बेकार है इधर का, मतलब रुक सकते हो खाना पीना अपना लंच वगैरह करके फिर आगे घूम सकते हो। दुकानें काफी सारी हैं यहाँ पर, कहीं राहुल भाई देख रहे हैं, अगर ये कर लेते हैं कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर oh, no. खेल खत्म, पैसा हजम। फ्री हो गया तो कुछ ओवर। जब चले थे तो हम ये ऊपर टॉप पे आ गए, 11,500 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं हम इस टाइम, तो फागू वैली पे खड़े हैं। दोस्त फॉग हो गया है यहाँ पर, ये इसलिए फेमस है फागू वैली क्योंकि यहाँ फॉग हमेशा रहता है और कभी छट जाता है 5 मिनट में आ जाता है, इस वजह से। आगे चलेंगे दोस्तों,
400 रुपये, ये चार बंदों की 900 रुपये की पर्ची कटी है हमारी। पर्ची ये देखिए, यहाँ से अब ये आगे देखिए, फोक वैली से चले हैं हम नीचे के लिए। देखिए फोक वैली है कहते हैं इसे। अब ये सामने देखो गाड़ी है, गाड़ी में हम जाएंगे दोस्तों। ये कुकरी वन वर्ल्ड एडवेंचर होते हैं इसके अंदर। यहीं दो शेर थे, गायब कर दिए उन्होंने दो शेर। ट्रैकिंग करो और चलो दोस्तों। मैगी पॉइंट पे आ चुके हैं हम, मैगी पॉइंट। और ये देखिए नज़ारा दोस्तों, फोक वैली से नीचे, मतलब फोक वैली से ऊपर हैं हम, और ज़्यादा 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। और नज़ारा देखो, और देखो खेती हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ये देखो खेती, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे जा नहीं सकता क्योंकि खेती बेकार हो जाएगी। पत्ता गोभी की खेती है दोस्तों, ये देखो ये पत्ता गोभी की खेती है सारी। दोस्तों हम आ चुके हैं, ये लास्ट स्टॉप है हमारा। टॉप में जो आप देखो यहाँ से एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी यहाँ से हम लेके जाएगी तारों से नीचे, वहाँ से फिर एप्पल गार्डन देखने जाएंगे हम। और ये यहाँ से विलेज के लिए जा सकते हैं, विलेज देखने। दोस्तों मेरी बारी आ गई, मैं चल रहा हूँ, भाई मेरे को पहनाएंगे भाई। ये कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और देखते हैं अभी, चलो तो ये गान फट कर मजा ही मजा है। आ गए हैं यहाँ पर भाई, बहुत तेजी से खींचते हैं। और दोस्तों एप्पल गार्डन की एंट्री है, यहाँ में जो हमने पहले आपको फोटो दिखाई थी वो यहाँ पर दिखानी पड़ती है रिसेप्शन पे। और मैडम ने एग्री कर दिया है, थोड़ा सा मेरा सांस फूल रहा है। सेब लग रहे हैं दोस्तों, सेब, और बाहर बिक भी रहे हैं सेब। 100 रुपये का पैकेट दे रहे हैं सेब का, उसमें 1 किलो से ज़्यादा है। देखो इस पेड़ पे पके हुए सेब हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। ये मार्केट है, कपड़े खरीद सकते हैं यहाँ पर भी ही मार्केट है, आप अंदर से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आपको बहुत सारी चीज़ें खाद्य उद्योग के। देखिए इनकी दुकान है एप्पल गार्डन के अंदर, हमें भी और चीज़ दिखाएंगे। बहुत अच्छा माहौल यहाँ का, बहुत ही अच्छा नज़ारा दृश्य है, बहुत औसम है यहाँ का क्लाउड वेदर एंड ट्री, एप्पल ट्री जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी पड़ रही है, साफ जी फूल है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ के सेब। 500 रुपये जुर्माना है एप्पल तोड़ने का, सेब तोड़ने का 500 रुपये जुर्माना। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो तोड़े ना प्लीज, और सेफ्टी रखें गार्डन की, क्योंकि पर्सनल गार्डन होते हैं। देना मैम हल्का सा मसाला डाल देते, बहुत अच्छा है। वापसी में चल दिए, दोस्तों हम रास्ते में रुके हैं कुफरी से आते हुए वापसी में। हमें जो डॉग है भूटानी कहते हैं ना, भूटानी कुत्ता, ऊंचा ऊंचा मेरे साथ।